हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वेलकम टू क्लास 6। चैप्टर फर्स्ट, अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर के बारे में हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया था कि फूड हमें कहाँ से प्राप्त होता है एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड, कि फूड के बेस पे एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ लिया था हमने, फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, रीजनल फूड। और हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हमने एक्सरसाइज भी की थी इसमें, ए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए थे और हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए थे। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हु आर हार्बीवोर्स एनिमल्स। देखिए बच्चों, हमने ये क्वेश्चंस हम कहाँ से करेंगे, हमारी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन अपनी ऑनलाइन क्लासेस है, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने जो मैंने क्या किया आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए एक जगह सारे प्रिंट करके आपके लिए मैटर तैयार किया है। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, हु आर हार्बीवोर्स एनिमल्स। हार्बीवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं, देखिए, हार्बीवोर्स एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट आर डिपेंडेड ऑन सोर्स ऑफ प्लांट्स फॉर देयर फूड। Some animals feed on, जैसे कुछ animals grass खाते हैं, plants, fruits and roots. Example of these animals are deer, horse, sheep, cow, goat, giraffe, elephant, camel, etc. ये सारे क्या हैं? Herbivores animals हैं और ये क्या लेते हैं? जो plants से मिलने वाला food ही खाते हैं। अब देखिए next question अपना, नेम फाइव कार्निवोर्स एनिमल्स। फाइव कार्निवोर्स एनिमल्स के नेम पूछे हैं, फाइव कार्निवोर्स एनिमल्स के नाम लिखने हैं, तो अपने शॉर्ट आंसर है, लेकिन इसमें सिर्फ नाम पूछा तो हम नाम लिख देंगे। लॉयन, टाइगर, लियोपॉड, वॉल्फ, डॉल्फिन, वाइल्ड हाइना, क्रोकोडाइल एसेट्रा, इसमें से पांच कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डिफाइन रीजनल फूड। रीजनल फूड हमने पढ़ा था, रीजनल फूड क्या है? Different state of India have different type of food. Those food are called regional food. They are the traditional food of this state. For example, Idli and dosa are the regional food of the South India. Or while Dokla or Khandvi are some of the dishes made in Gujarat. जो अपने chapter में clear आया था कि अब regional food क्या होते हैं। Next question अपना, name four roots of the plant we eat. उन रूट्स के नाम लिखने हैं जो हम खाते हैं प्लांट के, जैसे कैरेट, रेडिस, बीट और टर्निप, बीट रूट और टर्निप। अब देखिए, कैरेट, रेडिस, बीट रूट और टर्निप एसेट्रा। अब देखिए इसमें ये क्या है, वो प्लांट्स है जिनके हम रूट खाते हैं। नेक्स्ट अपना है, विच प्लांट प्रोवाइड अस ऑयल। विच प्लांट, कौन से प्लांट हमें ऑयल प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम कहाँ कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, जब चैप्टर पढ़ाता तो उसमें आया था, वी ऑप्टेन ऑयल आर सनफ्लावर, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट एसेट्रा। ये कहाँ से, इनसे हम ऑयल हमें प्राप्त होता है, हम यहाँ से ऑयल मिलता है, तो इनके नाम पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6, नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। फाइव प्लांट्स के नाम लिखने हैं और जो जिनके हम पार्ट्स खाते हैं उनके नाम लिखने हैं। नेम ऑफ द प्लांट्स और ईटेबल पार्ट, जो खाने खाद्य पदार्थ होते हैं जो इनके खाए जाते हैं, क्या पोटैटो जिसका हम क्या लेते हैं स्टेम, कैरेट जिसका हम क्या लेते हैं रूट, कॉलीफ्लावर फ्लावर, स्पिनच लीव्स, वीट, मैश जिनके हम क्या लेते हैं सीड्स। इस तरीके से जैसे पोटैटो है और जिनका अपन क्या लेते हैं स्टेम खाते हैं, कैरेट, रेडिस जिनकी हम क्या लेते हैं रूट लेते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली वो जिनका हम फ्लावर खाते हैं, स्पिनच जैसे मिंट है, स्पिनच है जिनकी हम लीव्स खाते हैं, और वीट में जैसे वीट, मेज, इनका हम सीड्स लेते हैं, तो उन प्लांट्स का नाम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है,
डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या हमने फाइंड किया है कि जो सारे लिविंग बींग्स होते हैं उनका सेम काइंड फूड की उनकी जरूरत होती है? नो, ऑल लिविंग बींग डू नॉट नीड ए सेम काइंड ऑफ फूड. इसका मतलब कि सारे जो सेम काइंड का फूड नहीं लेते हैं, सारे लिविंग बींग, जैसे प्लांट्स का अलग फूड होता है, एनिमल्स का अलग होता है, ह्यूमंस का अलग होता है, इंसेक्ट का अलग होता है. तो अपन ने देखा है कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग लेते हैं. जैसे सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, जैसे कुछ एनिमल्स जो प्लांट ईट करते हैं प्लांट, और वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स. और कुछ जो एनिमल्स को खाते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स. एज वेल एनिमल्स सच एज लिविंग बींग कॉल ऑमनिवर्स. कुछ प्लांट भी खाते हैं और कुछ एनिमल्स भी, जैसे ह्यूमन बींग. अब इसमें कौन सा आ जाएगा, ह्यूमन बींग, हर्बीवोर्स. जो प्लांट्स को लेते हैं वो तो क्या है, हर्बीवोर्स. और कुछ अदर जो प्लांट सोर्स भी लेते हैं और एनिमल्स को भी लेते हैं वो जाते हैं ऑमनिवर्स. और प्लांट्स का फूड क्या होता है, जैसे हम इस पे ऐड और कर देंगे, प्लांट्स का फूड क्या होता है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो क्या है, उनको ग्रोथ के लिए वो कौन सी प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो उनका फूड होता है. वाटर, सनलाइट, ये प्लांट का फूड होता है. तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि प्लांट का फूड क्या होता है, जैसे प्लांट, उसमें प्लांट में क्या लेते हैं, और इनफ है. फिर भी अगर प्लांट के लिए आप समझना चाहो तो प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, और उनसे वो सारी प्रोसेस कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस. तो ये हमने देखा कि एनिमल्स का और प्लांट्स का और ओमनिवर्स और हर्बीवर्स. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कितने किए, 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं आज अपने. कौन कौन से, सिर्फ कौन से किए हमने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट किए हैं. और देखिए बच्चों, ये हमने अपनी बुक में से फाइंड आउट किए हैं और सिर्फ एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए मैटर तैयार किया गया है. और आप बुक में से पीछे से भी देख सकते हैं और आप इनमें से भी कर सकते हैं. कल अपन करेंगे अगली क्लास में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. आज का आपका वर्क है, आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं 7, और अगली क्लास में हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आई होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच.